हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलेस्टियल रूही। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पे मैं बैठी हूँ अपने हॉल में और साथ में है मेरे मोमो। और आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ और उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अभी ना रिसेंट कुछ ग्रोसरी वगैरह खरीदी थी, कुछ सामान खरीदा था, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि मैंने क्या क्या खरीदा है। तो यहाँ पे मोमो मस्तियाँ मार रही है, बट चलो कोई बात नहीं, मोमो को भी देख लो आप, ये फुल मस्तियाँ चल रही हैं इसकी। रैंडम वीडियो है बट आप देखिए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैंने जो लिया है वो लिया है बॉर्जेस का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने ये ख़रीदा था, ये लिया है मैंने। और उसके बाद में मैंने लिया है ये छोटा सा पाउच है पनीर चिली मसाला मिक्स, तो मैं इसको आज यूज़ करने वाली हूँ, ये मैंने यूज़ लिया है। और फिर उसके बाद में मैंने लिया है ये वाटर बॉटल, टपरवेयर की वाटर बॉटल है ये, इको फ्रिज बॉटल, ये बॉटल है, बहुत ही प्यारी सी बॉटल है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये दोनों के लिए लिया है मैंने, अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर सी बॉटल थी, दो कलर्स में है, एक पीच कलर में थी और एक ये ब्लू कलर में है, बहुत ही सुंदर सी बॉटल है, देखो सिंपल बॉटल है बिल्कुल। और ये इसका कैप है, तो ये मैंने अपने हस्बैंड और मेरे दोनों के लिए लिया है ये बॉटल। इस पर डिस्काउंट था तो मैंने ले ली थी, तो आपको दिखा देती हूँ मैं, मेरे पास भी सेम है। फिर मैंने उसके बाद लिया है ये है टॉयलेट पेपर रोल्स, यहाँ पे इस पर भी जो था डिस्काउंट था, तो ये इस पैक के ऊपर एक पैक फ्री था तो मैंने ये पैक लिया है। और इसमें आई थिंक चार रोल्स हैं और ऐसे ही चार रोल्स और हैं, तो ये टॉयलेट पेपर रोल है। बहुत ही रैंडम वीडियो है, मैं मतलब दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, मैंने जो शॉप किया मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद में मैंने लिया है ये एयरमैटिक, ये मैंने अपने रूम के लिए लिया है, मेरे मोस्टली हर रूम में एक एयरमैटिक की मशीन लगी हुई है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, मेरे हॉल में भी इस टाइम पे लगी हुई, आपको दिखाती हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे सामने तो वो जो पिंक कलर की मशीन दिख रही है लैम्प के साइड में, वो एयरमैटिक है, वो मैंने यूज़ लगाती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये मैंने ये जो फ्रेग्रेंस ली है वो है वायलेट, बहुत ही प्यारी है ये मशीन, इसके अंदर ऑलरेडी एक रिफिल लगी होती है, तो इस तरीके से ये होती है, मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से होती है ये मशीन, और इसमें एक ऑलरेडी लगा हुआ है और एक शायद मैंने लेके भी आई हूँ। तो ये मैंने लिया है एयरमैटिक का, इस पर भी डिस्काउंट थी तो मैंने ले ली थी, और ये मैं लगाऊंगी अपने रूम में, तो ये मैं इधर साइड में रख देती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा हाँ, मैंने एक ना मैंने बहुत प्यारी सी चीज़ ली है तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया है बहुत ही क्यूट सा मिल्टन का चपाती बॉक्स, तो थर्मोवेयर इंसुलेटेड कैसरोल है ये चपाती बॉक्स, बेसिकली ये कलर्स इन कलर्स में आता है, ये ब्लैक है, स्काई ब्लू है, बेज है और ये वाला कलर है, तो मैंने ये वाला कलर लिया है। और ये वैसे तो बॉक्स पे तो इसका 535 का प्राइस है, बट मैंने इसको डिस्काउंट पे आई थिंक 400 समथिंग का लिया, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये थर्मो वेयर इंसुलेट कैसरोल, मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के कैसा है। तो बहुत ही प्यारा सा कैसरोल का कलर, एक्चुअली मैंने कलर के चक्कर में ले लिया है, तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। और यहाँ पे मोमो आ चुकी है, यहाँ पे ये कलर है इसका, और ये बहुत ही प्यारा सा कैसरोल है, आप देख लीजिए, ये देखो कितना प्यारा कलर है, मिल्टन का है ये, और इसके ऊपर ये लिड है, तो इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा, मुझे लगा था तो मैंने ले लिया, और सुंदर है रोटी रखने के लिए, मेरा एक्चुअली बहुत छोटा है और मेरे को ये बहुत ही प्यारा लगा तो मैंने ले लिया ये। सो ये लिया है मैंने मिल्टन का कैसरोल रोटी के लिए। उसके बाद जो है दूसरा बैग उठा लेती हूँ, फिर मैंने लिया है, अच्छा हाँ ये कुछ टिश्यू रोल्स लिए थे मैंने, क्योंकि ये काम आ जाते हैं टिफिन वगैरह जब मैं इनका पैक करती हूँ तो काम आ जाते हैं, सभी लोग लेते हैं। अच्छा हाँ, फिर मैंने ये नाइफ सेट लिया है, ये पिजन का है और ये सिर्फ 99 रुपीज़ का मुझे मिला है, पिजन का है ये। ये सब सामान जो है मैंने स्मार्ट बचत बाजार से लिया था, ये इसके ऊपर प्राइस पता नहीं कहाँ लिखा है, हाँ इस पर प्राइस 495 का लिखा है, बट ये मैंने सिर्फ 99 रुपीज़ का लिया है, बहुत ही ये चाकू मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये, आप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्मार्ट बाजार चले जाइए, वहाँ से ले लीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है ये सामान के यहाँ का, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ मैंने नेक्स्ट क्या लिया है। हाँ नेक्स्ट मैंने लिया है अपने लिए ऑलिव्स, मैं ऑलिव्स पसंद करती हूँ, मुझे ब्लैक वाले ज़्यादा पसंद हैं बट ये ग्रीन मुझे अच्छे लगते हैं, ये भी ऑलिव कूप के हैं ये, और इन पे भी डिस्काउंट था तो मैंने अपने लिए ऑलिव्स लिए सुबह मॉर्निंग में खाने के लिए, बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है ऑलिव्स, ये मैंने लिए हैं, मुझे पसंद भी है ये बहुत।
ठीक है ये लिया है मैंने। इसके अलावा मैंने लिया है राजमा मसाला, ये मुझे सिर्फ 49 रुपीज़ का, जो स्मार्ट बचत बाजार में ना दो ऑप्शन होते हैं सामने, एक 49 रुपीज़ वाला सामान है और एक 99 वाला है, तो ये 49 में से मैंने लिया है राजमा मसाला और जीएम फूड्स का। इनका मैं पोहा मसाला भी यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा था तो मैं ये लिया ही। अच्छा उसके बाद ना मैंने लिया है ये फ्रेश ब्लॉसम स्नग फैब्रिक कंडीशनर, ये 1-on-1 था, अगर आप एक खरीदते हैं तो आपको मतलब वन 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 उस पर एक फ्री था, तो ये बेसिकली आफ्टर वॉश के लिए है स्नग। ये कितने का था ये मुझे नहीं याद आ रहा है, बट ये डिस्काउंट पे था तो मैंने ये लिया था। और फिर मैंने ली थी मूंगी मसूर की दाल, मुझे ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है, इनफैक्ट हम अरहर की दाल से ज़्यादा ये वाली दाल खाते हैं, तो ये वाली दाल मैंने ली थी मूंगी मसूर, उस पर लिखा है पंजाबी मिक्स दाल, तो ये बहुत ही अच्छी दाल लगती है मुझे, ये ली थी मैंने। उसके अलावा क्या लिया है, हाँ ये ऐसे दो पैकेट लिए थे क्योंकि हाफ के जी का पैक था तो मैंने किलो के लेना था तो 1 kg मैंने ये लिया था। अच्छा उसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे ये क्या है, हाँ ये लोबिया है, छोटा वाला लोबिया मुझे नहीं मिला, मैं छोटा वाला लोबिया प्रेफर करती हूँ जो थोड़ा छोटा साइज़ का रहता है, बट ये वाला भी मुझे बहुत टेस्टी लगता है, इनफैक्ट हम लोग खाते हैं ये ज़्यादा, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड, सोयाबीन है या लोबिया है क्या है, मैं तो उसको लोबिया ही बोलती हूँ, बट ये मैंने लिया था, ये मैंने 1/2 kg लिया है सिर्फ, तो ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा उसके अलावा मैंने लिया है अपने लिए एक जाम लिया है, ये बेसिकली बिल्कुल भी चीनी नहीं है इस जाम के अंदर और इसके अंदर सॉर्बिटॉल है, मतलब इसके अंदर ना ऐसा चीनी वाला काम नहीं है, मतलब बहुत हेल्दी भी, मतलब कभी कभी के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये पीच फ्लेवर में था और ये एक्चुअली ना इस पर लिखा हुआ है कि ये शायद ये इम्पोर्टेड टाइप का है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका प्राइस क्या था, बट ये मैंने वहीं से लिया है, फॉर डायबिटिक रेसिपी नो शुगर एडेड पीच एक्स्ट्रा जैम मैंने ये लिए, बहुत ही अच्छे इसमें चंक्स नज़र आ रहे हैं पीच के और मुझे पीच वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए एक जैम लिया था कभी कभी टोस्ट के साथ खाने के लिए, तो ये लिया है मैंने। उसके अलावा मैंने लिया है यार्डले का रोल ऑन, ये डिओड्रेंट है, ये वैसे मैं निविया का यूज़ करती हूँ बट आज मेरे को ये थोड़ा सही लगा, डिस्काउंट पे भी था, इंग्लिश लैवेंडर फ्लेवर मतलब फ्रेग्रेंस है इसकी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ले लो, चलो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेती हूँ, तो ये ले लिया मैंने। अच्छा उसके अलावा मैंने क्या लिया, मैं खा लेती हूँ, ये है मेरी बॉटल, वो ब्लू वाली थी मेरे हस्बैंड की और ये है मेरी, तो अभी जो मैं वैसे मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि हम कांच की बॉटल में ही पानी रखें, बट कांच की बॉटल में वो डर लगता है टूटने का, तो हम जो है ये वाली बॉटल, मेरे को ये वाली बॉटल बहुत प्यारी लगी थी, इसका कलर बहुत प्यारा, मैं दिखाती हूँ आपको, और एक सेकेंड मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको, तो मेरे पास में एक्चुअली बॉटल, मुझे पसंद है बॉटल क्लिक करना एक्चुअली में ना, बस बॉटल्स तो बहुत हैं, ये देखो ये बॉटल है, पीच कलर की बॉटल है ये, और ये इसका कैप है, बहुत ही प्यारी सी, टपरवेयर की है तो नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी है प्लास्टिक की, मुझे फ्लिम्सी बॉटल्स नहीं पसंद बिल्कुल भी, तो ये मुझे अच्छी लगी थी टपरवेयर की है ये, अब मैं इसमें और पानी लेके पी सकती हूँ। अच्छा इसके अलावा क्या है मेरे पास में, इसके अलावा है मेरे पास में ये मैंने लिया था रिफिल उसका, जो मेरा एयरमेटिक है जो ऑटोमेटिक फ्रेगरेंस फेंकता है, तो उसका मेरा एक ख़त्म हो रहा था, तो मैंने अपने लिए ये गोदरेज एयरमेटिक लिया है लश ग्रीन फ्रेगरेंस में, एक ये लिया है, आई थिंक मैंने ये सब लिया है, उसके अलावा लिए और भी सामान है यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। उसके अलावा है मेरे पास में ये गाला के स्पॉन्ज वाइप किचन काउंटर क्लीन करने के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ऊपर से ये 3 पीसेज हैं आई थिंक इसके अंदर और ये शायद 100 रुपीज़ का था, तो ये कपड़ा वगैरह मुझे इतना नहीं समझ में आता है, तो मैंने ये ले लिया था स्पॉन्ज वाइप, 3 पीस है 100 रुपीज़ के और सुपर अब्जॉर्बेंट है, बहुत अच्छे लिए, मैंने पहले भी ये यूज़ करा है, पहले मैंने शायद स्कॉच ब्राइट का यूज़ किया है, तो ये मैंने पहली बार लिया बट अच्छा ये दिख रहा था मुझे, ये लिया है। फिर मैंने लिया ये पंजाबी छोले मसाला, ये भी 49 रुपीज़ में था, तो मैंने ये भी ले लिया एक क्योंकि मेरे मसाला ख़त्म हो गया था। उसके अलावा तो कुछ नहीं है, हाँ उसके अलावा ना ये ऑयल था, ये पता नहीं कौन सा है, फिजिकली रिफाइंड 100% राइस ब्रांड ऑयल है, तो मतलब ये ना 113 रुपये का पाउच था, इस पर शायद लिखा भी हुआ, तो मैंने ये इसलिए ले लिया, मैं कभी फ्राइंग के लिए महंगा तेल नहीं इस्तेमाल होता, जैसे मोस्टली हम जो कुकिंग करते हैं
वो हम देसी घी में सब्जी बन जाती है और सरसों के तेल में सब्जी बन जाती है। इनफैक्ट मेरा जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब ये ग्रिल वगैरह कुछ करना हो या कभी मन कर रहा है सैलड वगैरह में ड्रेसिंग डालने का तो यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे लिए कभी मुझे तलना वलना हो ना तो मैं ये सस्ता वाला ऑयल यूज़ कर लूँगी। मतलब ठीक है, आई नो कि ये ऑब्वियसली रिफाइंड है और राइस ब्रान ऑयल है, तो मैंने कहा एक बार ट्राई तो कर सकते हैं 113 रुपीज़ में, नॉट बैड। तो मैंने एक ये ले लिया था और उसके अलावा तो नहीं, आई थिंक यही है जो मैंने खरीदा है। और साथ में ये जो मेरा 1-on-1 का टॉयलेट पेपर रोल था, 4 के साथ में 4 फ्री, ये वो है। तो ये मैंने आज शॉपिंग करी है और मैंने आपको दिखाई है। और सबसे प्यारा मेरे को जो लगा वो है मेरा चपाती बॉक्स, इट्स सच अ ब्यूटीफुल बॉक्स। कलर देखो कितना अच्छा है इसका, मतलब ये देखो, आई मीन मुझे ये कलर के चक्कर में ले लिया, मैंने ये पता मैं लेती नहीं बट कलर इतना प्यारा था तो मुझे लेना ही पड़ा और मैं पीछे पड़ गई उसके जो सेल्स बॉय था, मैंने कहा मुझे यही कलर में चाहिए। सो दिस इज़ हाउ मच, 1500 ml का है ये और मिल्टन कर्व है इसका नाम। तो अगर आप इसको अमेजोन पे ढूंढेंगे तो आप शायद ढूंढ सकते हैं, मिल्टन कर्व सर्च कीजिएगा और ये वाला बॉक्स आएगा, बहुत ही प्यारा सा है ये। सो ये था मेरा आज की जो मैंने कुछ छोटी सी शॉपिंग करी है और मैं कुछ आपको दिखा देती हूँ मैं कि क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पे ये सारा सामान है मेरा जो भी मैंने आज लिया है और आपके सामने है ये सामान सारा। तो गाइज़ आप मुझे बताइएगा आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मेरी वीडियो पे, और आप भी बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा सामान अच्छा लगा और कौन सा आप लेंगे या जो भी है। तो हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल के साथ ऑलरेडी बने हुए हैं तो आप डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। सो या लॉट्स ऑफ लव, सेलेस्टियल रूही, बाय।